दोस्तों भारत में COVID-19 के मामलों में अब जिस तरह से तेजी से प्रसार हो रहा है, उससे जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बन रहा है। भारत में महामारी के मॉडल के कुछ अनुमानों के मुताबिक इस साल लगभग 40 करोड़ भारतीय इससे संक्रमित हो जाएंगे। अकेला यही आंकड़ा इस आशंका को बल देता है कि भारत में COVID-19 संक्रमितों की संख्या इस महामारी से प्रभावित दुनिया के किसी अन्य हिस्से से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में COVID-19 के प्रसार को धीमा करने के लिए कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोरोना महामारी से उबरने में हमारी मदद कर रही है, या ये कर भी रही है तो उसके क्या क्या फायदे हैं, उसको देखने के लिए आइए देखते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, कोविड के थ्रू हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उन चैलेंजेस से उभरने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं, इवन स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में भी, और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। और इसको जानने के लिए देखते हैं कि हमारे कोविड के थ्रू मेजर चैलेंजेस क्या क्या आए हैं एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और स्कूल्स कॉलेजेस सभी बंद कर दिए गए हैं, और हमें अभी ये भी आइडिया नहीं है कि कितने टाइम तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगला है मेडिकल सर्विसेज। देखिए, कोविड की वजह से लॉकडाउन हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, और लॉकडाउन की वजह से मेडिकल सर्विसेज बहुत अफेक्ट हो रही हैं। जो सीरियस केसेस हैं उनको भी हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी हमें पता भी नहीं है कितने सारे केसेस अवेलेबल हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि सरकार इस पर बहुत एक्शन ले रही है कंट्रोल करने के लिए, पर फिर भी हमको ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, सब लोग घरों में लॉक हैं, और जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम जॉब्स वगैरह पर आपस में कम्युनिकेशन का मिलना सब कैसे होगा। तो ये भी एक हमारा चैलेंज है। फाइनेंशियल चैलेंजेस, जो कंपनी बंद हैं, सैलरी मिल नहीं रही है, लोगों के पास फाइनेंशियल चैलेंज हैं। अगर किसी के पास फाइनेंसिस है भी तो वो बैंकर जाके उसको निकालना नहीं चाहता, उसको मैनेज करना चाहता है, और ये ऑनलाइन के थ्रू ही सब कुछ कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी एक मेजर चैलेंज है। चैलेंजेस ऑफ पीपल, पुअर पीपल। अब देखिए, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा मौजूदा में जो चैलेंज आया है कि लोग मजदूर अपने घरों से या वर्किंग प्लेसेस से अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस संक्रमण में भी तेजी आ रही है। उनको अपने घर पहुंचने का है, बट कैसे पहुंचना है उन्हें भी नहीं पता होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान अपने घर पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा एक मेजर चैलेंज और है जो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, वो है इंटरनेट कनेक्शन। दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन आज एक इतना बेसिक नीड हो गई है, बट क्योंकि उसके यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं तो इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है, लोग कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी में भी हमको सपोर्ट कम हो सकता है। देखिए, कौन कौन से हमारे टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं, क्या टेक्नोलॉजी वास्तव में हमारी मदद कर रही है, अगर कर रही है तो किस तरीके से कर रही है। देखिए, महामारी समय समय पर मानव जाति को धमकी देती रही है। आपको याद होगा, सार्स, H1N1, इबोला, स्वाइन फ्लू ने और काफ़ी बीमारियों ने पुराने समय में काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन ऐसे प्रकोपों के साथ हमें इनसे लड़ने और उनको मैनेज करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, जो संभावित रूप से लाखों लोगों को मार सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी महामारी की शुरुआत को रोक तो नहीं सकती, हालांकि यह प्रसार को रोकने, शिक्षित करने, चेतावनी देने और स्थिति से अवगत होने के लिए हमको सशक्त बनाती है और प्रभाव को कम भी कर सकती है। सबसे अच्छा जो फायदा टेक्नोलॉजी का हमको हो रहा है दोस्तों, वो है गलत सूचनाओं को नियंत्रण करने में सहायक। ये सबसे मेन है कि जब हमारे कोई महामारी रूप लेती है और उसके लिए तरह तरह की अफवाहें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भेजी जाती है, तो लोगों के अंदर एक पैनिक होता है, एक दहशत पैदा होती है, चिंता पैदा होती है, और उसके परिणाम स्वरूप या तो उसमें अराजकता फैलती है या अधिक खतरे
खरीदारी होती है और जमाखोरी करते हैं, दुकानदार अपने मूल्य में वृद्धि करते हैं या सड़कों पर हिंसा होती है, तो कहीं ना कहीं इन सब पर काफ़ी जोर होता है। एक झूठी जानकारी से काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, लेकिन झूठी जानकारी को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी कंपनियां लोगों को सही दिशा में काम करने के लिए अथक रूप से काम कर रही हैं। जैसे कि WHO या स्थानीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर आपको सूचनाएं देते रहना, ठीक। इसके अलावा जो अगली टेक्नोलॉजी इनको हेल्प कर रही है वो है कि टीके खोजने में मददगार। आज की डेट में पूरे संसार में हर देश अपने अपने तरीके से टीकों को खोजने में लगा हुआ है। अब वो टीके कैसे खोजे जा रहे हैं? वो टीके खोजे जा रहे हैं जो पुरानी बीमारियां रही हैं या जो लक्षण बीमारी में अब पैदा हो रहे हैं उसके बेस पर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके थ्रू जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो शोधकर्ता हैं, वो अपने तरीकों को अप्लाई करके और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उन टीकों को खोजने में लगे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि कुछ समय में हमें इसमें बहुत मदद मिलेगी। अब अगर दूसरा आता है कि फ़ायदा क्या है टेक्नोलॉजी का, वो है ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। मतलब ये है कि महामारी के दौरान जो आबादी के लिए संदेश जाते हैं वो सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें सूचित किया जाए, सावधानी बरतने में याद दिलाया जाए, और उसमें कई समूह मोबाइल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अधिक ट्रेडिंग तकनीकों का उपयोग हो रहा है। अब देखिए, बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, वो है आरोग्य सेतु ऐप, जो कि भारत सरकार की एक पहल है। और आरोग्य सेतु की मदद से आप आसानी से जो कोरोना वायरस मरीज है जो पॉजिटिव पाया गया है, अगर वो आपके आसपास में कहीं जाता है, निकल के जा रहा है, तो आपको आगाह कर देता है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में अंदर एंट्री करते हैं जो पहले से रेड जोन में है और वहाँ पर काफ़ी मरीजों की संख्या है, तो भी आपको अब जाता है। या आपके अंदर अगर कुछ ऐसे लक्षण जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हो उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, तो आपको ये भी बताता है कि क्या आपको टेस्ट कराना चाहिए या आपको ये सुरक्षित है। तो इसको हमको मेंटली स्टेबिलिटी मिलती है। अब ये एप्लीकेशन कैसे बनी है, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनी है, ठीक। अगला है टेक्नोलॉजी सपोर्टेड टेम्परेचर मॉनिटरिंग। देखिए, आज की डेट में अगर ये टेम्परेचर मॉनिटरिंग, जो कि कहते हैं कि वायरलेस थर्मामीटर गन, इस तरह का उपकरण जो बनाया गया है, उसको कार्यालयों में, हवाई अड्डों में, होटलों में, अस्पतालों में, ट्रेनों में, सार्वजनिक चौकियों पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। स्कूलों में, अगर स्कूल खुलेंगे भी आगे तभी भी उसमें इसका यूज़ होगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर से ही आपके तापमान का हमको पता कर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब बेस्ट सपोर्ट एक और है, दैट इज़ रिमोट वर्किंग टेक्नोलॉजीज़। देखिए, आज की डेट में जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं, आप देख रहे हो कि आज की डेट में हमारे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। लोग अलग अलग एप्लीकेशंस जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट, वेबएक्स और काफ़ी कंपनियों ने नए इसी टाइप के ऐप डेवलप कर दिए हैं या कर रहे हैं, जिससे कि हम घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम इजीली कर सकते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी को और हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। तो ये भी एक हमारा रिमोट वर्किंग जो टेक्नोलॉजी है, वो भी एक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। अब देखिए, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजी समाज को उभरने में हेल्प कर रही है। सबसे अच्छा है कीपिंग कनेक्टेड। लोग टेक्स्ट मैसेज पहले बहुत ज़्यादा करते थे, कॉल साधारण कॉल करते थे, लेकिन आज की डेट में क्योंकि घर पर रहते थे, हम बोर हो गए हैं, तो उसके लिए हम वीडियो कॉल प्रीफर करते हैं, ठीक है। या क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो वी आर ट्राइंग टू स्टे फिट। कोरोना का डर लोगों के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन ले लेके काफ़ी होता जाता है, उसकी वजह से वो फिट रहना चाहते हैं, बट वो अच्छा है, हम अपने फिट रहने के लिए जागरूकता होती है, वो हमको हेल्प मिलती है। और तीसरा पॉइंट है हेल्पिंग अस टू बी काइंड। आप देखिए, जैसे ही कोरोना महामारी आई है, तो दान और व्यवसायों के माध्यम से व्यक्ति और समुदाय ज़रूरतमंद लोगों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी कुछ क्षेत्र हैं
जो सबसे अच्छा एक नया टेक्नोलॉजी आई है, चल रही है, वो है हमारा ड्रोन का उपयोग करना। ड्रोन बना हुआ था पहले से, लेकिन एक्चुअली उसका यूज़ नहीं हो पा रहा था मतलब टेक्नोलॉजी की तरह। पर आज इस कोरोना महामारी के दौरान ड्रोन जैसा एक उदाहरण है जो अपने मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग कर रहे हैं ताकि कम से कम जोखिम के साथ और चिकित्सा नमूनों या और सामग्री को भी इजीली पहुंचा देते हैं। और इसके अलावा ड्रोनों का उपयोग सबसे अच्छा है सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग करने के लिए, जो क्वारंटाइन पीरियड का या जो उसके पॉलिसीज़ हैं उनका फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, उनको पता लगाने में हमारी हेल्प करता है। अब आप ये देखिए कि COVID-19 और भविष्यों में इसी टाइप की कोई भी महामारी आती है तो उसको लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग है। आज हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सब साधन अवेलेबल हैं। दूसरा है भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रभाव और रणनीति। अब क्योंकि ये कहते हैं कि शिक्षा किसी भी देश किसी भी प्रदेश का बेस होता है, अगर हमारे शिक्षित व्यक्ति है तो वो देश को इकोनॉमी को बहुत जल्दी उठवा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, तो उसमें भी हमको सोचने की ज़रूरत है। अब देखिए मार्च के दूसरे सप्ताह से देश भर के राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्कूल कॉलेज को अस्थायी रूप से बंद कर दिया, और अभी तो ये भी नहीं पता कब तक खुलेंगे। उसके लिए हमको क्या करना होगा कि शिक्षण और मूल्यांकन के जो हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसको शिक्षा स्कूली शिक्षा की संरचना चेंज करनी होगी। हमें उसमें काफ़ी कुछ ऑनलाइन गतिविधियाँ अप्लाई करनी होंगी जो पहले से हो रहा है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। महामारी ने उच्च शिक्षा क्षेत्र को भी बहुत ज़्यादा बाधित किया है जो देश के आर्थिक व्यवस्था में सहायक है। इसके लिए हमको अच्छी तरह से संरचित रणनीति संकट का प्रबंधन और लंबी अवधि में एक मजबूत भारतीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना होगा। उस निर्माण के लिए क्या करना होगा हमको कि सरकारी स्कूलों विश्वविद्यालयों में सीखने की जो टेक्निक्स हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए उपाय चाहिए। ओपन सोर्स डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस या लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को अपनाया जाना चाहिए ताकि शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण का संचालन कर सकें। और भारत में मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तेजी से वृद्धि के साथ जो कि उम्मीद लगाई जा रही है कि 2024 तक 85% घरों तक पहुंचने की उम्मीद है, सो टेक्नोलॉजी देश के दूर के जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ तक पहुँच रही है, तो क्यों ना उसका उपयोग हम शिक्षा प्रणाली में किया जाए। दुनिया भर में विकसित मांग आपूर्ति के रुझानों के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र को तैयार करने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता है। विशेष रूप से छात्रों और शिक्षकों की वैश्विक जो गतिशीलता है उससे संबंधित भारत में उच्च अध्ययन की गुणवत्ता और मांग में सुधार, मतलब उसको हमको हायर एजुकेशन में सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है। जो स्कूल्स हैं या हायर एजुकेशन है जो उसमें हमारे करंट जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं प्रणाली चल रही है उसमें भी हमको थोड़ा सा ई लर्निंग मोड के साथ कक्षा शिक्षण को लगाना होगा और उसको स्टार्ट कराना होगा। अब भारतीय परंपरा के अनुसार दुनिया भर में हमारे वैज्ञानिक मूल्यों स्थायी टेक्नोलॉजी दवाओं का विकास के लिए जाने जाते हैं। हमारा टेक्नोलॉजी बाहर बहुत काम करता है, अगर आपको पता हो तो हमारे 30% जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका में काम करते हैं। अब वही टैलेंट हमारे वापस भी आ रहे हैं, कुछ हद तक वापस भी आ रहे हैं, तो क्यों ना उनका हेल्प लेके हम अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों ये डराने वाला आंकड़ा नहीं है, ये जो आप देख रहे हो द स्केरी नंबर्स ए जॉब क्राइसिस लाइक नो अदर, इसका पर्पस बताने का ये है कि COVID-19 की वजह से काफ़ी क्षेत्रों में जैसे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में 2 से 3 मिलियन जॉब जाएंगी, ऑटो डीलरशिप में 200,000 जॉब जाएंगी, या रिटेल में 6 मिलियन जॉब जाएंगे अगले 3 महीनों में, ठीक है, और इंटरनेट उसमें सेक्टर में 80,000 से 1 लाख तक जा सकती हैं, रियल स्टेट में 14 मिलियन जाएंगी। ये लेफ्ट साइड में जो फिगर्स हैं वो आपको जो अवेलेबल जॉब्स थी पहले कोविड से वो है, और जो राइट साइड में फिगर है वो दे रहा है कि कितनी जॉब जा रही हैं। अब जैसे 55 मिलियन से ट्रेवल में, देखिए 38 मिलियन अगले महीनों में चले जाएंगे क्योंकि ट्रैवल तो ख़त्म है, ट्रैवल में तो यूज़ ही नहीं हो पाएगा क्योंकि लोग ट्रैवल कम करेंगे, एक साल तक कहीं ट्रैवल करना नहीं चाहेंगे तो ट्रैवल इंडस्ट्री तो ठप हो जाएगी। लेकिन अब जैसे एजुकेशन देखिए, एजुकेशन में 18 मिलियन जॉब्स थी,
3.6 से 4.5 मिलियन जॉब्स जाएंगी, लेकिन अगर हम इसको ऑनलाइन एजुकेशन पर जाते हैं तो फिजिकल जो मतलब जो ट्रेडिशनल टीचिंग थोड़ा कम जाएगा, लेकिन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बूम पर जाएगा। अब अच्छी खबर ये है कि सबसे अच्छी खबर ये है कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको तो 50% और जॉब्स अवेलेबल होंगी, जैसे 60,000 के लगभग और जॉब्स इमीडिएटली आने वाली हैं। एजुकेशन में 1 मिलियन जॉब्स हैं जो 50% से ज़्यादा कोविड के बाद में और रिक्रूटमेंट हो सकता है। बैंकिंग और फाइनेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं जाएंगी, 2 मिलियन में से लगभग 70,000 जॉब जाने का है। बट पॉइंट इज ये जस्ट एनालिसिस है, अगर हम इसको अच्छे से काम करें, टेक्नोलॉजी पर वर्कआउट करें, तो हो सकता है ये हमको फेस ना करना पड़े। हमको क्या करना होगा, फॉर एग्जांपल हमको एजुकेशन सिस्टम को इमीडिएटली चेंज करना होगा, हम अपने सिस्टम को रीइन्वेंट करना होगा। अब रीइन्वेंट करने के लिए हमको क्या करना है, शिक्षा जो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र में बाजार पर अधिकांश उत्पाद सेवाएं छात्रों या प्रबंधकों के शैक्षिक अनुभवों को बेहतर बनाने काम आती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमें टीचर्स हैं, अगर उनको ही हम अपना टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग करेंगे तो वो हमारा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। लेकिन हायर एजुकेशन इसका एक अपवाद है। फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही 10 साल पहले से ही ऑनलाइन शिक्षा शुरू हो चुकी थी, तो आज उसको हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो उसका मतलब ये है कि हमको उसमें बहुत आसानी से कंट्रोल हो पा रहा है। शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जिसको बोलते हैं जैसे एजुकेशन टेक, एड टेक, उन उद्योगों में से एक है जो बहुत तेज़ी से मांग का सामना कर रहे हैं। दैट मीन्स एड्यूटेक ऐसा एरिया है जिसमें हमको बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो एड्यूटेक ज़रूरी है, भविष्य की सिर्फ एक लग्जरी नहीं है, वो हमको करना ही होगा। एड्यूटेक लाभदायक है और महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ देता है। एड्यूटेक COVID-19 के बाद गति बनाए रखने की उम्मीद है। एड्यूटेक वर्तमान समय में इतनी तेज़ी से विकसित, बाधित और अपनाया जा रहा है कि यह शिक्षा के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। सो दोस्तों, हमें एड्यूटेक पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जानकारी बहुत काम आएगी और पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।